मम्मी दिया और अर्जुन के फोटोग्राफ तो सब जगह, उनके दोस्तों और रिश्तेदारों में सब जगह वायरल हो रहे हैं। इस दिया से तो पीछा छूटा समझो। ये सब आप ही की वजह से हुआ है मम्मी। क्या दिया और अर्जुन की सोशल मीडिया, उनके दोस्तों की सोशल मीडिया, जहां से भी फोटोज मिलती है सब निकाल। अर्जुन के इस अकाउंट पर तो सिर्फ एक ही फोटो है, वो भी बोरिंग सी। वो उसकी सिर्फ फोटोज वाली जो अकाउंट होगी ना, वहां ढूंढना भावा, थोड़ा अच्छे से ढूंढ। मिल गई मम्मी। कहां हम सिर्फ एक ही दो फोटोज चाह रहे थे, पर यहां पर तो पूरा का पूरा भानुमति का पिटारा मिल गया। ये सुंदर से फूल बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं मम्मी। लेकिन किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए भावना। अरमान को तो बिल्कुल नहीं। बस हम जो कर रहे हैं उसमें उसी की भलाई है ना, पर अगर ये बात बाहर आ गई ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मम्मी आप टेंशन क्यों ले रही हैं? हमारे अलावा ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। अब दुखी दिया भाई की लाइफ से आउट और अब पलकी इन। पलकी ये मुझे दे। तू यहाँ बेड पर सो, मैं नीचे सोफे पे सो जाऊंगी। तेरी बैक अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है। पलकी मैं जानती हूँ कि मैं एकदम परफेक्ट नहीं हूँ यार, और गलती तो किसी से भी हो सकती है। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं छुपाया था, बस सही वक्त का इंतजार किया और उस इंतजार में वक्त निकल गया और बहुत देर हो गई। बस एक बात का पछतावा रहेगा कि मैंने तुझसे, अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी इस बात को छुपाया। I'm sorry. मुझसे तो शेयर कर लेते दी। आई होप कल के कैफे इंसिडेंट के बाद दिया ठीक है। कल से ना उससे बात हुई है ना पलकी से, कि कुछ पता चले। काट दिया मतलब जागी तो ही है। हमारे बीच कुछ ऐसा नहीं हुआ था, तुमने मुझे धोखा दिया था। अच्छा जी, तो फिर देख लेते हैं लोग किस चीज पे भरोसा करते हैं, तुम्हारी बातों पर या फिर मेरे सबूतों पर। मुझे लगा हम दोस्त हैं और तूने मुझसे भी ये बात छुपाई। अरे अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होता, तुम्हारा दिल साफ होता तो तुम हमको बताती ना। मैं अपने ससुराल में आपकी मिसालें दिया करती थी और आज मुझे उन्हीं बातों के ताने मिल रहे हैं।
इतने फ्लेवर्स में तुम्हें कौन सा पसंद है पता नहीं था, तो सारे तुम्हारे लिए। तुम्हारी तरह सारे स्वीट हैं, उम्मीद है इनकी मिठास से तुम भी स्माइल करोगी। थैंक यू। सोचना बंद करो और खा लो, वरना आइसक्रीम पिघल के मिल्क शेक बन जाएगी। योगा मास्टर जी से डिटेक्टिव डॉन कब से बन गए? आइसक्रीम के डब्बे में सिर्फ कैमरा है क्या? मेरा सब कुछ तेज है, नजर, दिमाग और जुबान भी। प्लीज खा लो ताकि मैं भी अपनी आइसक्रीम खा सकूं। करती शुरू। आइसक्रीम की बहुत ज्यादा जरूरत थी, दिमाग भी ठंडा हो गया और दिल भी सेम। तभी तो मुझे मिस्टर कूल कहते हैं। तुम्हारे आइडियाज, तुम्हारे जोक्स से बेटर हैं। कुछ दिन और रुक जा जानवी, पैक क्यों पैक कर रही है? मुझे जाना होगा। अरे हम बात करेंगे ना तुम्हारी सास से, तुम्हारे पापा को बोलेंगे अमित से बात करने के लिए। नहीं मम्मी। अरे एक दो दिन तो रुक जाओ। मम्मी मैं तो संडे का प्लान करके आई थी ना, अभी वो वापस बुला रही है तो मैं क्या करूं? तुम खुद ही देख लो, जब से ये फोटोज फैली है मेरी सास के कॉल्स और मैसेजेस आना बंद ही नहीं हो रहे। बोलती है तुरंत घर आ जाओ वरना होने वाले बच्चे पर इन सब बातों का बुरा असर पड़ेगा। की क्या बात हुई? ये तो जाती है। अरे तुम अमित से क्यों नहीं कहती हो, अपनी माँ को समझाए, ये कोई बात हुई? मम्मी अमित अपनी मम्मी के आगे ज्यादा नहीं बोलते, और आपको पता है मैं दिया दी के खिलाफ ना एक शब्द भी नहीं सुन सकती हूँ। पर आज इतना कुछ हो गया है कि मैं अपनी सास को भी कुछ नहीं बोल सकती। मम्मी आप दिया दी से कहना मत, पर मेरी सास ने साफ साफ कह दिया है कि वो मुझे इस घर में तभी भेजेंगी जब दिया दी इस घर से चली जाएंगी। संभालिए। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। अचानक क्या हो गया आपको? वो शुगर की प्रॉब्लम है ना, कभी कभी चक्कर आ जाता है। ठीक है वैसे। ऐसा तभी होता है जब आप परेशान होते हो और खाने के बाद वाली दवाई लेना भूल जाते हो। आज भी भूल गए ना? दवाई ली थी या नहीं ली थी? दवाई कैसे भूल गया मैं? मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं, तू चिंता मत कर, जाके सो जा।
आपके इस टूटे चश्मे की तरह मुझे भी अपना घर टूटता सा नजर आ रहा है। सबसे पहले आप ये टूटा चश्मा छोड़िए। अरे मैं काम कर रहा हूँ उससे। आपका नया चश्मा है? मैंने बनवा लिया था। हाँ ये एकदम परफेक्ट है। ठीक है, थैंक यू। तू जा सो जा, मैं करता हूँ काम ज्यादा करके, है ना? आप भी टाइम से सो जाना। हाँ हाँ, गुड नाइट पापा। गुड नाइट। देखा, मैंने कहा था ना, मेरे चड्ढा जी तो बिल्कुल इनोसेंट हैं। हाय हाय, उनकी छोरी तो कहीं और तो गई नहीं कर रही। नए गुलछर्रे उड़ाना शुरू भी कर दिया लड़की ने। मैं जानती हूँ आप सब मेरी वजह से परेशान हैं, लेकिन सब छिपा रहे हैं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी एक भूल की वजह से मेरे घर वालों को इतनी परेशानी होगी, लेकिन मैं आप सबको अब और तकलीफ नहीं दे सकती, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। बीच में ही जूते रख दिए। अरे आप अपनी झाड़ू जरा उधर लगाइए। अरे आप दुकान अंदर खोलिए, चलो फिर उठो। मिसेस माथुर, अरे ओ क्या गुड न्यूज लाई हूँ मैं। ओ ये क्या, मेरे को लगा था गुड न्यूज लेकर आई हूँ तो आपके हाथ में लड्डू शड्डू होंगे, शगुन होगा। ये झाड़ू क्या कर रहा है, हटाओ इसको। अरे कैसी गुड न्यूज, रिश्ता। रिश्ता, ऐसा रिश्ता लाई हूँ जिसे सुनोगे ना इस बार तो खुशी से झूम उठोगे, बोल रही हूँ आपको। कैसा रिश्ता? अब इस घर में किसके लिए रिश्ता लाई हो मम्मी? मेरे लिए। हाँ मम्मी, मेरे लिए। निमी आंटी, हाँ? आप लड़के के फोटोज लेकर आए हैं? हाँ मैं फोटोज लेकर आई हूँ, और ऐसा लड़का ना तेरे को नहीं मिलने वाला। देख मैंने कहा था तेरे को, तेरा रिश्ता मैं ही कराऊंगी, और मैं ही करा रही हूँ जी। या तुमने निम्मी को फोन करके बुलाया? सरप्राइज। कल जब मैं निम्मी आंटी से बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे एक ऐसे लड़के के बारे में बताया जो बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए था। और मम्मी तुम ठीक ही कहती थी, मैं खामखा इन सब चीजों से डर रही थी। देखो कितनी आसानी से इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। ये तो सब संजोगों की बात है, और मैं तो बेस्ट हुई जी, क्यों? बिल्कुल सही कहा निमी आंटी। निमी आंटी, आप इन सबको लड़के के बारे में बताइए, आखिर ये भी तो देखे मेरी फैंटास्टिक चॉइस। तब तक मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। क्या है ये सर, आपने अचानक से इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? पलकी सही कह रही है, नहीं तो जो लड़की अपने रिश्ते के नाम से चिढ़ती थी वो फोन करके निम्मी को अपने रिश्ते के लिए घर बुला लेगी। मम्मी तुम ऐसी बातें करोगी ये मुझे नहीं पता था। मुझे लगा था जब इस रिश्ते की बात आएगी तो तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी होगी। तुम कहोगी कि दिया मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, आओ मैं तुम्हारी नजर उतारती हूँ। और ये पलकी कहेगी दी आपके कपड़े ज्वेलरी हेयर स्टाइल सब मैं ही फाइनल करूंगी, और पापा आप खुशी के मारे अपना वो फेवरेट वाला डांस स्टेप करोगे और मैं फिर शर्मा जाऊंगी। लेकिन निम्मी आंटी यहाँ तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड आप और मैं ही है, और कोई नहीं है। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि हम खुश नहीं है, हम खुश है, बस हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि रातों रात ऐसा क्या हो गया। दिया नहीं ऐसा तो नहीं है ना कि कल की बात को लेकर? मम्मी छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आज से दिया लिखेगी एक और नई कहानी।
और फिर तुम्हें तो कहा करती थी ना कि जिद रिश्तों से मैं डर के मारे मना कर रही हूँ, शायद वहीं पर मेरी असली खुशी छिपी हो। कहा करती थी ना कि अगर एक बार ट्राई नहीं करूंगी तो पता कैसे चलेगा। अब जब मैं तुम्हारी बात नहीं मानती थी तब भी तुम मुझे टोकती थी और अब भी टोक रही हो। पापा समझाओ ना मम्मी को। भाई मैं तो मम्मी की साइड पे ही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू सच में खुश है या किसी दबाव में फैसला लिया। मेरे पापा मम्मी ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होने की, अपने दिल की बात सुनने की आजादी दी, हर कदम पे मेरा साथ दिया। आपको लगता है आपकी बेटी किसी दबाव में आकर इतना बड़ा, वो भी शादी का फैसला ऐसे ले लेगी? अगर ऐसी बात होती तो मैंने कब की हाँ कर दी होती। कम से कम मुझे इनके लेक्चर्स तो नहीं सुनने पड़ते। हम लेक्चर रहे थे। पापा मैंने सच में अपना मन बना लिया है, तभी तो मैंने निम्मी आंटी को फोन किया और खुद से लड़का पसंद भी किया है, ताकि पसंद भी मेरी अपनी हो, एक ऐसा लड़का जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकूं। अरे निम्मी आंटी लड़के की फोटो बायोडाटा दिखाइए। मैं तो किसी को बायोडाटा और फोटो नहीं दिखाऊंगी। ये भगोए को बात होती है ना, खाने को पूछा ना पीने को पूछा, कब से आई हुई हूँ मैं तो नहीं दिखा रही आज। सॉरी निम्मी, बस वो दिया के चक्कर में। लो ना फोटो दिखा। हाँ एक मिनट फोटो दिखाती हूँ। आप भी क्या याद रखो, देखो जी मुंडा। देखा दिया से ज्यादा बड़ा भी नहीं है और कमाता बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा लड़का है, देखने में तो अच्छा लग रहा है। और दोनों की जोड़ी भी अच्छी लगेगी ना एक साथ। दिया सच में ना सच्ची? हाँ मम्मी सच्ची। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। पापा अब तो मान लो मेरी बात, ये दुल्हन तो जाएगी धूले राजा के साथ। पापा मैं आपके, अपने और आप सबके चेहरे पे बस स्माइल देखना चाहती हूँ। तो मेरी चिंता मत करो, मैं सच में बहुत खुश हूँ। I know. दिया भी तरफ मेरी बात सुनो। देखो ये मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेरी बात ध्यान से, मुझे पता है बहुत जरूरी बात है, मुझे और किसी पर विश्वास नहीं है और तू मुझे सबसे अच्छे से जानती है। हाँ दी, वही मैं कह रही हूँ कि ये सब कर। मेरी बात सुन, तू मेरे साथ है ना? हाँ दी, आप बस एक बार बोलो तो सही। मैं मुझे सारी तैयारियों में ना तेरी हेल्प चाहिए। देख कपड़े ज्वेलरी ये सब तो हो जाना है, लेकिन शादी की शॉपिंग, संगीत के गाने, डेकोरेशन, मुझे इन सब में ना पलकी चॉइस चाहिए। पलकी आई एम सो एक्साइटेड। ये वो जरूरी बात नहीं थी। हाँ पता है मुझे तेरी जरूरी बात, तू चाहती है ना शादी में तेरा लहंगा सबसे सुंदर हो, कोई होगा। मम्मी पलकी का लहंगा सबसे सुंदर होना चाहिए, सबसे प्यारा लहंगा इसका होगा। ठीक है तुम रुको। इसको हम बाद में चलाते हैं। अरे निम्मी हाँ जी, रिश्ता A1 होना चाहिए। हाँ नंबर वन, उसमें हम 19-20 नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्यों चिंता कर रहे हो मिसेस माथुर, वो लड़का 100 में से 100 है, आप खुद देख लेना। बोलो कब बुलाऊं उसे? एक मिनट मैं बताती हूँ। कल आप लड़के वालों को कल ही बुला लीजिए। मैं तो कहती हूँ कल क्यों, आज ही बुला लो, काम खत्म करो। और भी अच्छी बात है, आज ही बुला लो उनको। मम्मी मैं ना निकल रही हूँ, मुझे देरी हो रही है, लेकिन मैं शाम को जल्दी घर वापस आ जाऊंगी। शाम को ना आप मेरे लिए एक अच्छी सी ड्रेस निकाल देना। हाँ पलकी मुझे तेरे झुमके चाहिए, और पापा शाम को चंदू के समोसे लाना मत भूलना। अब बस एक बार ये रिश्ता फाइनल हो जाए ना तो मुझे अपनी इवेंट कंपनी पे फोकस करना है। अब मुझे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हर कदम पे जिंदगी में आगे बढ़ना है। अच्छा मैं चलती हूँ। बाय मम्मी। बाय पापा। बाय दिया।
टाइम से आ जाना। हाँ आप लोगों के चेहरे पर ये खुशी हमेशा बरकरार रखने के लिए अगर मेरा शादी करना जरूरी है तो मैं वो भी करूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।